बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कुछ दिन पहले ही शपथ भी ली थी, लेकिन अब जनप्रतिनिधि ही इस कानून की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूक रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में मुखिया जी शराब पीकर नशे में टल्ली होकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेजने की कवायद की जा रही है। दरअसल जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया कृष्ण कुमार निषाद देर रात शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके शराब पीने की भी पुष्टि हो गई। इस मामले में मोतीपुर थाना के SI मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मोतीपुर है, मुखिया जी वर्तमान मुखिया है कृष्ण कुमार, आपको माधोपुर पंचायत का, तो शराब के नशे की हालत में, पीने की हालत में जब पाया गया उसको जेल भेजा जा रहा है। हाँ, चेक हुआ था जो किया, हाँ पुष्टि हुई है, हाँ हंगामा किया होगा, शराब पी के हंगामा कर रहा था। इस पूरे मामले को लेकर मोतीपुर थाना के SI मनोज कुमार ने बताया कि मुखिया जी शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, इसकी सूचना उन्हें मिली। इस मामले की जानकारी मिलते ही मुखिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें जेल भेजने की कवायद की जा रही है। वहीं मुखिया कृष्ण कुमार निषाद ने इस पूरे मामले को साजिश बताया है। मुखिया जी ने कहा कि वह एक समारोह में गए थे जहां उन्हें कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद वह घर गए तो उन्हें सोते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह पहली बार मुखिया बने हैं और उन्होंने शराबबंदी को लेकर शपथ भी ली थी। पुलिस कही चलिए बढ़ाऊ बुला रहे हैं, हम भोज खाने गए थे, उसमें ठंडा में क्या मिला कर पिलाया हमको मालूम नहीं, गाँव में नहीं, वो तो चला रहा था एक लाइन से, अब कैसे क्या उसमें मिला कर हमको पिला दिया जी, नहीं हमको अकेले रूम में बैठा कर पिलाया, हाँ फोन कर दिया कि दारू पी लो है जी, वो कौन किया से नहीं मालूम, बरिया पूर्वी पंचायत से हैं, 258 वर्ष, हमको चक्कर आने लगा उसके बाद घरे जाकर सो गए जी, नहीं हम सोए हुए थे जी 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 जी, दारू नहीं पीना शराब हम पी कहाँ लिए, हमको उसमें मिला दिया गया कुछ मिला कर केमिकल, दारू थोड़े पिए थे। कृष्ण कुमार निषाद बरिया पूर्वी मोतीपुर पहली बार। गौरतलब है कि बिहार में लगातार शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने की खबरें आम होती जा रही हैं। जनप्रतिनिधि भी लगातार धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, जिससे शराबबंदी पर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।